नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबर धरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो पशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल, और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी, आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में, उस महीने जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे, उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनको साथ, इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को, और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुँचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने सम ग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने सम ग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगी। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में, माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब आगे हम आरंभ करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के बारे में, कि जो सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनका अक्टूबर 2021 का जो महीना है वो ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके व्यवसाय की बात करेंगे आपसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है आपके दशम भाव में। सूर्य बुध और मंगल की तीनों ग्रहों की युति बनी हुई है दशम भाव में, 10th हाउस में, जो आपके करियर के लिए देखा जाता है। और सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, बुध करियर के लॉर्ड हैं, और जो मंगल हैं वो आपके पंचमेश हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है और इसके बड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं इस अक्टूबर माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में। मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद नहीं होंगे प्राप्त, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ऐसा समय है कि जब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इस समय में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अक्टूबर माह के मध्य तक। चीज़ें उसके बाद भी अच्छी रहेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा पीरियड नहीं मानता मैं जितना कि ये है, क्योंकि यहाँ तीन तीन ग्रह हैं। अब क्योंकि महामध्य से लगभग 2 ग्रह आगे पीछे करके, 1 हफ्ते के आगे पीछे या 4-5 दिन के आगे पीछे गैप में वो इस राशि से निकल जाएंगे, अकेले बुध रहेंगे यहाँ। हालांकि बुध भी अपने अकेले यहाँ रह करके भी, बुध भी काफ़ी पावरफुल रहेंगे, उच्च के होकर के बैठे हैं बहुत बुद्ध यहाँ पर, तो वो भी आपको बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो माह अक्टूबर है आपके लिए, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे रोजगार कर रहे हैं, आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, बहुत अच्छे परिणाम। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने ग्रहों की स्थिति को देख करके उसका फलित तो आपको बता दिया अक्टूबर माह का, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आप चाहे रोजगार में हैं या व्यापार में। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये तो ग्रहों का आपके ऊपर कृपा है, लेकिन हमें खाली ग्रहों पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमें अपने भी प्रयास जो हमें करने चाहिए वो हमें अवश्य करने चाहिए, उसमें हमें कोई ढील नहीं देनी चाहिए। अब क्योंकि सूर्य जो है वो 17 तारीख से, जैसा मैंने बताया था आरंभ में ग्रहों की स्थिति जब मैं बात कर रहा था, कि 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब क्योंकि सूर्य भाग्य के स्वामी हैं तो चीज़ें तो आपके अनुकूल रहेंगी, लेकिन 17 तारीख से और माह के अंत तक जो कुछ और नए कार्य अगर आप अपने हाथ में लेते हैं उनमें रुकावटें आएंगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी है सूर्य और वो नीच अवस्था में हो जाएंगे, तो वहां से क्या होगा कि आपके भाग्य के सहयोग में आपको कमी रहेगी, कोई कार्य समय पर ना बनना, आसानी से पूरा ना होना, ये इस प्रकार की चीजें रहेंगी। नुकसान कोई नहीं होगा लेकिन कार्य पूरे नहीं होंगे, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होगा। साथ ही 17 अक्टूबर से माह के अंत तक जो आपकी इनकम है
आय है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी या रुकावट रहेगी, बड़े भाई बहनों के सहयोग में कमी रहेगी, मित्रों की, किसी भी प्रकार की मित्रों की जो है मित्रता पर भरोसा ना करें इस पीरियड में 17 अक्टूबर से माह के अंत तक। मित्रों पर विश्वास ना करें, चाहे आपके कितने ही परम मित्र हैं उन पर निर्भर ना रहें, किसी की चीज़ की उनसे मदद की उम्मीद ना रखें, ये आपको ध्यान रखना है। सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे ग्रहों के कारण, इधर सूर्य नीच के उधर गुरु बृहस्पति नीच के, तो दो दो ग्रह नीच के हो जाएंगे, तो ये जो है इसके कारण सुख सुविधाओं का लाभ उठाने में भी आप पूरी तरह से सक्षम नहीं रहेंगे, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे इस माह। लेकिन हाँ, करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, हर तरीके से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, उन्नति के कहीं दूर से भी अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और कोई बड़ी विशेष जिम्मेवारी आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा समय है ये अक्टूबर का। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो देखिए, माह के आरंभ से लेकर माह के 22 अक्टूबर तक अगर आपके प्रेम संबंध कहीं चल रहे हैं पहले से, तो निश्चित रूप से ये वो समय होगा 22 अक्टूबर तक का, 1 अक्टूबर से, कि जिसमें आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में भी अगर परिवर्तित करना चाहते हैं वैवाहिक संबंधों में, तो वो कर पाएंगे। लेकिन हालांकि उसमें थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, समस्याएं आएंगी आपके सामने, लेकिन वो समस्याओं से भी आप पार हो जाएंगे और आप अपने वैवाहिक संबंधों में प्रेम संबंधों को परिवर्तित कर पाएंगे। ये वो समय है 22 अक्टूबर तक। और जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, देखिए उनके वैवाहिक संबंध जो हैं माह के मध्य तक तो थोड़े सामान्य या सामान्य से कुछ नीचे रहेंगे, लेकिन माह मध्य के उपरांत जो संबंध हैं आपके वो बहुत अच्छे रहेंगे, आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी, आनंद लेंगे आप वैवाहिक सुखों का। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे भाई, पारिवारिक संबंधों की बात कर लें तो बृहस्पति नीच की अवस्था में बैठे हुए हैं और माह के मध्य से और अंत तक देखिए परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार का नुकसान तो इस अक्टूबर के महीने में आपको मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि अक्टूबर माह से और माह के अंत तक बीच बीच में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाएंगी, और वो भी इसलिए हो जाएंगी कि आपके कारण, आपके मुंह से आप कुछ ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे कि जिसके कारण तनाव पैदा हो जाएगा परिवार जनों के बीच में, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, कुछ समय के लिए होगा, चीज़ें अगर बिगड़ेंगी तो वो सुधरेंगी भी, ये भी स्थिति रहेगी, तो शनि उनको सुधारेंगे चीज़ों को। हालांकि देखिए शनि की बात मैं कर रहा हूँ तो आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एहसास करा रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए जब शनि की 7.5 चलती है तो हमको बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, बस वहीं शनि देव जो हैं हमसे नाराज होते हैं और उसके फिर दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब है, अनुशासन का मतलब है कि चाहे वैवाहिक हमारे संबंध हैं उसके मामले में भी हमें बहुत समझदारी से रहना है, चाहे हम कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमको अपने आप को बहुत ईमानदारी से निष्ठा के साथ पूरी काम करना है, अपने जीवन साथी के साथ भी पूरा ईमानदार बन के रहना है, उसके साथ भी कोई छल कपट नहीं करना, तभी शनि महाराज आपसे मतलब एक उनकी कृपा मिलेगी, वरना उम्मीद ना रखें। आगे बात करते हैं कि आप जो छात्र हैं धनु लगन के, उनकी ये जो अक्टूबर का माह है उनकी शिक्षा को लेकर के किस ओर इशारा कर रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए 1 अक्टूबर से और 22 अक्टूबर के बीच में जो छात्र हैं उनको अपनी शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या तो बाधाएं आएंगी या कुछ समस्याएं पैदा होंगी, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर रहेगी। लेकिन हाँ 22 अक्टूबर से माह के अंत तक चीज़ें एकदम
सुधरेंगी, उनमें सुधार होगा और धीरे धीरे आपको अपनी शिक्षा में हर तरीके से आप ग्रहण करने में आसानी रहेगी और आप अच्छे परिणाम माह के अंत तक प्राप्त कर पाने में भी सक्षम रहेंगे शिक्षा संबंधित। लेकिन 22 अक्टूबर तक आपको रहना है सजग। संतान की बात करें तो देखिए, संतान के विषय में भी मैं कहना चाहता हूं प्रिय साथियों कि संतान को भी माह के मध्य से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। मैं माता पिता से ये बात कहना चाहता हूँ कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक उनसे कुछ विशेष अपेक्षा ना रखें कि उनसे कोई बहुत विशेष फलों की प्राप्ति, परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ग्रहों का सहयोग नहीं है। लेकिन हाँ, माह मध्य से धीरे धीरे परिवर्तन होगा, स्थिति में सुधार होगा और माह के अंत तक बहुत अच्छे परिणाम आप अपनी संतान के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य आपका आम तौर पे अगर देखा जाए तो मध्यम रहेगा। बीच बीच में थोड़ी यदा कदा कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी बनेगी, लेकिन वो भी दूर हो जाएगी। तो ये था आप धनु लग्न के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का। अब हम आपको बताते हैं आप धनु लग्न के जातकों को उपाय। उपाय ये है कि सूर्यदेव को प्रतिदिन जल देना ना भूलें स्नान के पश्चात, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए प्रतिदिन, और हो सके तो इस मंत्र का जाप करें एक माला कम से कम, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही गुरुवार के दिन किसी धार्मिक स्थल में जाकर के धार्मिक पुस्तकों का दान करिएगा, या धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना है तो आप पीले फल, पीली मिठाई वहाँ जा कर के दान कर सकते हैं, और मस्तिष्क पे अपने केसर का तिलक लगाएं, जिव्या पे लगाएं, नाभि पे लगाएं, और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन ना करें, पीले वस्त्र धारण ना करें, इसका ध्यान रखना है आपको। हो सके तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें प्रतिदिन। तो ये जो हमने कहा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, हम ये नहीं करें आप आधा आधा घंटे, एक एक घंटे करें, मुश्किल से 5 मिनट भी अगर आप दे सकते हैं तो भी उसमें आपका उद्धार हो जाएगा। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट दे दीजिए। अब आपसे बात करेंगे आगे की कि अगर आपको धनु लग्न के जो जातक हैं उनको ये राशिफल पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।